अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी, किसी की रिक्वेस्ट पर चिकन मलाई बोटी भी कह सकते हैं आप, इसे टिक्का भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बोनलेस ब्रेस्ट के पीस हैं। आपको चाहिए होंगे 750 ग्राम्स, जिसको आपने तकरीबन कर लेना है अबाउट 1.5 इंच के पीसेस आप करवा लेंगे। तो ये सीने का पीस होता है बोनलेस, 750 ग्राम्स आपको ये चाहिए। ब्लैक पेपर पाउडर या क्रश्ड आपकी मर्जी है, 1.5 टीस्पून चाहिए आपको। मीट टेंडराइजर, यानी कि इसको जो गलावट की तरफ लेके जाता है, लोग कच्चा पपीता इन्हें के रॉ पपाया भी लगा सकते हैं, लेकिन चिकन के लिए आप मीट टेंडराइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स 1 टीस्पून लेवल्ड। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। चीज़ आप अपनी मर्जी की इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मिच्योर चैडर चीज़, इसे मैंने श्रेड कर लिया, तकरीबन 1/2 कप है। साथ ही आपको चाहिए होगा सावर क्रीम, 3 टेबलस्पून आपको चाहिए। ईजिली देखें, ये चीज़ें आपको सुपर स्टोर्स वगैरह से मिल ही जाती हैं। और यहाँ पे आपने पेस्ट बना लेना है 4 से 5 अदद, जितना आप स्पाइसी पसंद करते हैं आपकी मर्जी। मैंने यहाँ पे 5 हरी मिर्च यानी कि ग्रीन चिलीज और छोटा बंच कोरिएंडर यानी कि धनिए का, अच्छी तरह इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसका पेस्ट बना लिया हुआ है। साथ ही आपको सॉल्ट चाहिए होगा 1 टीस्पून और टू योर टेस्ट फेनिग्रिक लीव्स यानी कि कसूरी मेथी 1 टीस्पून। ऑयल आपको चाहिए होगा तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, चिकन को जब आप वॉश कर लेते हैं, साइजेस में करवा लिए, तो प्लीज किचन टॉवल या कोई भी कपड़ा ले लीजिएगा और इसको आपने पैच ड्राई कर लेना है, यानी कि अच्छी तरह इसको खुश कर लें। पानी वैसे तो उसको वॉश करने के बाद ड्रेन करें, लेकिन क्योंकि जो चिकन के ब्रेस्ट के पीस होते हैं इसमें कहीं ना कहीं पानी रह सा जाता है, तो हमने सिर्फ इस पर हल्का सा ही टिश्यू के साथ में, आप देख लें, सारा पानी हमने ड्राई कर लिया। ड्राई कर लेने के बाद आप इसे एक अलहदा बोल में डालेंगे, बोल ले लीजिएगा, और इसमें आपने जो सबसे पहले ऐड करना है दैट्स मीट टेंडराइजर हम डालेंगे। प्लीज़ अपने हाथ वॉश करना है, ऑलरेडी डन माइन। ये डालने के बाद पहले आप इसको अच्छी तरह मिक्स करना। देखिए, मीट टेंडराइजर हो या कच्चा पपीता जो होता है, पपाया हो या रॉ पाइन एप्पल हो, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो रॉ वाली आप डालते हैं तो ये साथ ही जो है कुकिंग के प्रोसेस में आता है, इसको बहुत अच्छी तरह ये गला देता है। यहीं पर अब आप इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें, ब्लैक पेपर डाल लें और यहाँ पे सॉल्ट भी ऐड कर लें, ताकि ये इसमें अच्छी तरह नमक और सब कुछ मिक्स हो जाता है। मिक्स कर लेने के बाद आप इसे एक साइड पर, चिकन को मैरिनेट करके एक साइड पर रख दिया हुआ है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि चीज़ आप लेंगे एक बोल में और आपने इसको हाथ से थोड़ा सा पहले मसल कर, जिसे कहते हैं ना हमने इसको पेस्टी सा बनाना है, सो मेक श्योर कि आप इसको ज़रा अच्छी तरह पहले मसल लें और इसको यूँ तोड़ सा लें पहले, ठीक है। तोड़ लेने के बाद यहीं पे आप इसके अंदर में डाल लेंगे जो आपकी सावर क्रीम है, सावर क्रीम चला गया। साथ ही आप इसमें ये जो पेस्ट हमने बनाया हुआ है ग्रीन चिलीज़ का और फ्रेश कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया, इसे आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। यहाँ पर आपको हाथों को इस्तेमाल करना है तो प्लीज़ हाथ ज़रूर वॉश कर लीजिएगा, आपसे मैं बार बार कहती हूँ हमेशा। ये देख लें, अच्छी तरह आपने इसको यूँ मिक्स कर लेना। चीज़ जो है, क्योंकि ऑब्वियसली ज़रा ठंडी है तो वो थोड़ी सी हार्ड है, इसको आप यूँ हाथ से तोड़ लेंगे और साथ ही यहाँ पे आप ऐड करेंगे फेनिग्रीक लीव्स, थोड़ा हाथ से मसल कर डालिएगा। ये आपका बन चुका हुआ है पेस्ट। अब आपने क्या करना है, इसे बनाकर आप एक साइड पर रख दें, बेशक फ्रिज में करके कवर करके रख लें, और चिकन को आपने मैरिनेट होने देना है फॉर अबाउट 5 मिनट्स। उसके बाद हम इसके अंदर में इसको ऐड कर लें। 5 मिनट्स के बाद चिकन को आपने इसी जो हमारा हमने ये पेस्ट बनाया हुआ है इसी में ऐड कर लेंगे, और इस पेस्ट में भी अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बिल्कुल फीका ही होता है। फिर ये आप देख लें, इस तरह आपने इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर लेना चिकन को, और इसको मैरिनेट करने के बाद आप इसको कवर कर कर रख देंगे फ्रिज में फॉर अबाउट 2 to 3 आवर्स, ताकि अच्छी तरह सारी तमाम चीज़ें चिकन को लग जाती हैं, और फिर हम इसे ओवन में, तो आप देख लेंगे कपल आवर्स के बाद में, 2 से 3 घंटे के बाद मीट एंड रेजन ने अपना काम तो दिखा दिया हुआ यहाँ पर। अब आपने इधर जो है इसके ऊपर आप डालेंगे ऑयल यहाँ पर आकर, उसे आपको मैंने पहले भी ये बताया कि टिप होती है, ट्रिक भी है, कि जो भी आप मसाला लगाते हैं किसी भी चीज़ को तो वो उस चीज़ को चिपक जाता है, तो ये ऑयल एंड में लगाते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आप बेशक यू कैन यूज़ सिक्योर्स जो होती हैं स्टिक्स, आप उस पर भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं सिक्योर्स इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपली एक
जो है ओवन प्रूफ बेकिंग ट्रे है शीशे का, इसमें मैं डालकर मैं इसको बेक करने लगी हूँ। आपने इसको बेक करना है, गैस मार्क आपने रखनी है फुल ब्रॉयल के ऊपर, यानी कि 500 सेंटीग्रेड पर रखेंगे, क्योंकि इसमें मीट टेंडराइजर ये बहुत जल्दी बन जाएगा, तकरीबन 8 से 12 मिनट। और देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर ओवन की अपनी हीट होती है, आप बेहतर जानते हैं कि कितनी जल्दी या कितनी कम टाइम में ये हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने जो है प्री हीट कर लिया अपना ओवन, और मैं चिकन को जो है ट्रे में इसमें डालने लगी हूँ। यहाँ पर अब इसको ऐड कर लेंगे बीच में, और इसे आपने फुल, आपको मैंने कहा है कि ब्रॉयल पे रखना आपने अपने ओवन को, हीट आपको खुद को पता होना चाहिए कितनी है। मीट टेंडराइजर लगाए जल्दी इंशाल्लाह पक जाएगा, और मेक श्योर कीजिए मैंने मैरिनेशन नहीं फेंकी है क्योंकि उसमें सारा जायका होता है। ये किससे मेक श्योर करना है कि सारा जो इंटायरली लिक्विड बीच में ड्राई हो जाए, चिकन का भी और जो भी बीच में पानी होगा। तो ये तकरीबन इसमें लग जाएंगे ओवन में 12 से 15 मिनट, और दिस विल बी डन। कि जितना भी इसका मॉइस्चर था वो सारा ड्राई हो चुका हुआ है और यहाँ पे तैयार हो गया। देखिए मुझे एक्चुअली लग गए हैं इसके अंदर में अबाउट हाफ एन आवर। रीज़न इज़ क्योंकि मैंने कोई भी इसका जो मैरिनेशन था वो फेंका, डिस्कार्ड नहीं किया था, क्योंकि सारा जायका ही मैरिनेशन में होता है। तो ये बन चुका हुआ है, अब हम इसे डिश आप इसको सर्व कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए आप इसको सैलड इस्तेमाल करें, साथ में लेमन वेजेस, सॉसेस के लिए आपने मेरी काफ़ी चटनी रायते देखे हुए हैं वो इसके साथ बना लें। लेकिन प्लीज़ नमक का थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो मीट टेंडराइजर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट होता है, सो बी केयरफुल जब आप उसको ऐड करते हैं। और ज़रूर बनाइए, बताइए को कैसा लगा, दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।